हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का करंट अफेयर की डेली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के करंट अफेयर की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं, और जितने भी हम प्रश्न आपको कराएंगे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और तीसरा मुंबई, चौथा जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जहां पर जो है बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना है। पहला ऑप्शन है रिलायंस जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा वोडाफोन और चौथा आइडिया। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा रिलायंस जियो जो है, मुकेश अंबानी जी का रिलायंस जियो, ये दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीन, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि आगरा, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा अहमदाबाद और चौथा नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाए, जहां पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चार, हाल ही में IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। तो IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान की देने की क्षमता है। तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा वाला, भारत। और IMF क्या है, IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड, जो कि हिंदी में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में कितने देश इसके सदस्य हैं, तो इसके देश जो है 190 देश इसमें सदस्य हैं, 190 देश जो है सदस्य देश हैं, इसकी सदस्य की बात करें तो 190 है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय जो है Washington DC यानी कि अमेरिका में है, Washington DC यानी USA में है, अमेरिका में है इसका हेडक्वार्टर जो है। और इसमें 190 देश जो है शामिल हैं। तो इस प्रकार जो रख सकते हैं कि जो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसमें 190 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो Washington DC यानी अमेरिका में स्थित है, Washington शहर में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँच, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जिसने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की। तो हमारा ऑप्शन दिया है चीन, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ब्राज़ील और चौथा अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसमें जो है 7 देश सदस्य होते हैं, इसके सदस्य जो है 7 देश सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1997 में हुई थी। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है, मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, जो कि ढाका में है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और जो हमारा 6 जून को हमारा बिम्स्टेक दिवस मनाया जाता है, बिम्स्टेक दिवस।
तो हमारा पेपर में इस प्रकार से पूछता है कि बिम्स्टेक में कितने देशों की सदस्यता होती है, कितने देश इसके सदस्य हैं बिम्स्टेक। तो इस प्रकार जो है इसमें 7 देश सदस्य हैं और 7 देश सदस्य हैं इस पर बिम्स्टेक में, और कौन कौन से देश हैं हम आपको बता देते हैं। तो हमारा पहला देश है जो कि भारत, भारत, श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, और उसके बाद जो है एक देश हमारा थाईलैंड। तो इस प्रकार जो हमारा 7 देश शामिल है, पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश और छठा म्यांमार और सातवां थाईलैंड। इस प्रकार हमारा जो है 7 देशों की सदस्यता बिम्स्टेक में है। तो इस प्रकार से पूछता है कि बिम्स्टेक में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं और पहला जो कि इस प्रकार हमारे 7ों देश हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो है भारत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जो कि भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क यानी कि दूध बैंक जो है उसका स्थापित करेगा। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा बिहार राज्य। तो इसमें से कौन सा जो है राज्य है जो कि मदर मिल्क बैंक को स्थापित करेगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड जो है मदर मिल्क बैंक को स्थापित करेगा। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, द रहेगा और ये नहीं रहेगा, 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा बड़ोदरा, तीसरा भोजपुर और चौथा इंदौर। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला भोजपुर जो है, यहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पहला बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड और चौथा मणिपुर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, जहां पर पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला असम, यहाँ पर जो है पहला बोडो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आरम्भ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जो भारत ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया, पहला ऑप्शन है जापान के साथ, दूसरा ईरान, तीसरा इराक और चौथा जर्मनी। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा जापान। जापान के साथ जो है सिन्यू मैत्री अभ्यास में भारत वायुसेना ने इसमें भाग लिया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ग्रैंड स्लैम, दूसरा नोवाक जोकोविच और तीसरा महेश भूपति और चौथा डेनियल मेदवेदेव। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जिन्होंने ओपन टेनिस 2023 का टाइटल खिलाड़ी जो है बने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव जो है ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्लूज ऑफ IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है। तो IIT मद्रास ने किसके साथ साझेदारी की है, पहला डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा इटली और चौथा यूक्रेन। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो 11 नंबर का प्रश्न जो है इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर पहला और सही है डेनमार्क। डेनमार्क के साथ जो है नेक्स्ट जनरेशन फ्लू ऑफ IIT मद्रास ने साझेदारी की है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जो कि पड़ोसी देश के साथ सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISA के साथ समझौता किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, बांग्लादेश के साथ जो है बांग्लादेश की ISA के साथ समझौता किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई। तो साइकिल रेस जो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ पर शुरू हुई, तो पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा लेह और तीसरा नई दिल्ली और चौथा चंडीगढ़। तो इसमें कहाँ से शुरू हुई, तो हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में जो है एशिया की अब तक की एशिया की सबसे बड़ी
सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो पहला ऑप्शन है एयर अरबिया एयरलाइन, दूसरा इतिहाद एयरवेज, और तीसरा है एयर फ्रांस, और चौथा है अमीरात एयरलाइन। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा अमीरात एयरलाइन जो है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में जो सामने आई है अमीरात एयरलाइन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जिस जो कि सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस में शामिल हुआ? पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, और तीसरा RBI, चौथा विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, एक्सिस बैंक जो है सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस के रूप में शामिल हुआ है। तो हमारा आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय को कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।